नमस्ते अंकल जी। नमस्कार जी। आज आप क्या सिखा रहे हो हमें? आज मैं आपको ना गॉड पार्टिकल जो लेटेस्ट रिसर्च हुई है, जो उसका वर्णन सांख्य में है, मैं वो आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। सांख्य में महर्षि कपिल ने मूल प्रकृति को इनएक्टिव बताया है, उसमें कोई क्रियाशीलता नहीं होती, वो जहां पड़ी होती है पड़ी ही रहती है। जब उस पे भगवान की शक्ति, जिसको अनीत अवातम भी कहते हैं, अरवन भी कहते हैं, मातृश्वा भी कहते हैं, दक्ष भी कहते हैं, प्रहार करती है, तो वो बाह्य मुखी हो जाती है। वो बिल्कुल गोल आकार की तरह होती है और 120 कण, 360 का जो ये चक्कर है ना, इसको अगर हम तीन हिस्सों में बांट लें, एक में सत्व प्रधान होता है, एक में रज होता है और एक में तम होता है। ये तीन अलग अलग तत्व हो जाते हैं एक ही परम अणु में, जिसको परमाणु कहते हैं। जब भगवान की शक्ति प्रहार करती है तो जो ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, इनकी बाह्य शक्ति जो है ना, जो इस पे कवर हुआ हुआ है, जिसके कारण ये अंदर की तरफ इनका रुख है, वो भगवान के प्रहार से चेंज हो जाता है। ये बाहर की तरफ दौड़ने लगते हैं, इनमें क्रियाशीलता चालू हो जाती है। ये है मूल तत्व प्राकृति का, जिसमें 120 डिग्री समझ लो सत्व है, 120 डिग्री रज है, 120 डिग्री तम है, जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। दीज आर द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल परमाणु। इसके ऊपर ऐसे ही प्राकृति के बहुत से तत्वों पर जब भगवान की शक्ति प्रहार कर देती है, तो ये इनकी एक खासियत रहती है, ये आपस में टूटते नहीं, तीनों जुड़े रहते हैं, पर ये बाहर की तरफ इनका रुख हो जाता है, मूवमेंट हो जाती है। तो ये फिर जो सत्व है ना, जो अगर इसके आगे रज का और कण आएगा तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, रज के सामने तम आएगा या सत्व आएगा तो जुड़ जाएगा, ये अपोजिट इनकी दिशा वाले कण आएंगे तो जुड़ जाएंगे, अगर सेम के आएंगे तो ये बिल्कुल आपस में एक्सपेल करेंगे, इसको धक्का देंगे। ये पांच पांच मिलकर जो है ना, ये जब ये पांच परम अणु मिलते हैं तो इसको एक अहंकार कहते हैं, अपा कहते हैं सांख्य में इसको, जिसको हम ये पांच मिलते हैं ना, तो इनका एक हिस्सा, अगर ये पांच गोल अणु, मैं वैसे पिक्चर नहीं बना पाऊंगा साफ, अगर ये पांच मिलेंगे ना, यहां भी एक मिल जाए, यहां भी एक मिल जाए, यहां भी एक मिल जाए, इसके आगे यहां भी मिल जाए, तो एक यहां भी मिल जाए, तो एक ही अणु पांचों की तरफ, या तो सत्व बाहर निकलेगा या रज बाहर निकलेगा, ये बन जाएगा अपना, इसको हम सांख्य में जो है अपा कहते हैं, अहंकार कहते हैं जिसे ना, अहंकार। ये तीन प्रकार के अहंकार बन जाते हैं, एक में होता है इलेक्ट्रॉन, एक में होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, बाकी इनकी दो शक्तियां अंदर हो जाती हैं और एक ही शक्ति बाहर रहती है जो कार्य करती है, सत्व प्रधान जिसको कहते हैं, रज प्रधान कहते हैं, तम प्रधान कहते हैं। ये महर्षि कपिल का वर्णन है सांख्य दर्शन में, जो उनका पहले अध्याय का 8वां सूत्र है। सत्व रज तम की साम अवस्था को प्राकृति कहते हैं। जब उस पे भगवान की शक्ति प्रहार करती है तो ये बाहर की तरफ हो जाते हैं, इनमें सत्व रज और तम तीनों तत्व 120-20 डिग्री के बाहर की तरफ अपने अपोजिट कणों के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये तीन प्रकार के अहंकार बन जाते हैं, जो फिर आगे रचना कार्य में, सारी संसार की रचना कार्य में काम आते हैं।
ये 24 का गण बनता है। ऐसे तीन अहंकार हो गए, एक महत्व हो गया, जो प्राकृति का पहला रूप है ना टूटता है, तो इसको महत्त्व कहते हैं। प्राकृति जब मूल रूप से भगवान की शक्ति से प्रहार होने पर बाह्य रूप धारण करती है, उसको महत्त्व कहते हैं, महत्त्व कहते हैं। इसकी क्रियाशीलता चालू हो जाती है पदार्थ बनने में। पहला अहंकार बनते हैं, पांच पांच मिलकर उसके आगे रचना कार्य होगा, रासायनिक तत्व बनेंगे उसके। सर जी, आप ये कह रहे थे जो अभी ये खोज हुई है, क्या आपको लगता है कि वो जो वैज्ञानिक है वो सक्सेस हुए होंगे, मतलब वैसे ही मतलब कि अटैक करने में जैसे जैसे गॉड अटैक करते हैं परमपिता परमात्मा? हाँ, वो अपेरेंटली लगता तो है, उनका पूरा रिसर्च अध्ययन ना करने के कारण ही मुझे कुछ स्पष्टता ना होने से, पर ये सांख्य में लिखा हुआ है कि ये भगवान के प्रहार से ही बाह्य रूप धारण करती है। मतलब ह्यूमन का कोई मतलब कि नहीं कर सकता, मतलब ऐसा ये नहीं लिखा ह्यूमन नहीं कर सकता, लेकिन इतनी जरूर लिखा है कि ये भगवान की शक्ति से बाह्य रूप धारण करती है। साइंटिस्ट ने जो रिसर्च किया है, ये मूल तत्व इन्होंने गॉड पार्टिकल लिखा है, तो ये तीन तत्वों को अगर ये बाहर कर लेते हैं, आगे की रचना उससे जैसे परमात्मा ने की है कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं उस बारे में स्पष्टता नहीं है। देखिए, साइंटिस्ट भी जो है ना एक विज्ञान है, इसको ऐसे नकारा नहीं जा सकता। ये तो हमारे ऋषियों ने हजारों सालों पहले प्राकृति का मूल तत्व इनविजिबल जो है मानव की आंखों से दृश्य नहीं होता, वो किया था माँ कपिल ने। वैसे ऋषि मुनियों का भी इंग्लिश में यही साइंटिस्ट ही कहते हैं ऋषि मुनियों को। हाँ, लगभग यही वर्णन है, अगर अगर इससे मिलती जुलती रिसर्च है तो यही है, क्योंकि अगर अगर आज के 21वीं सदी में हम साइंटिस्ट कहते हैं तो उस प्राचीन समय में वो भी ऋषि थे, ऋषि मुनि ही कहेंगे। हाँ, उनकी परसेप्शन थी। अभी जो आगे लिखा है, इकाठ के बाठ लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा है अभी तन्मात्राओं को ज्ञान होता है, पांच स्थूल भूत, बाठवां सूत्र जो पहले अध्याय का उसमें लिखा है, जो हम पृथ्वी जल वायु और आकाश देखते हैं तत्व, इनको बांधने वाली पांच तन्मात्राएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये महर्षि कपिल ने लिखा है उस टाइम में। उस टाइम में फिर उसके आगे वो कहते हैं, जब इन तन्मात्राओं और इंद्रियों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि अहंकार है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे उन्होंने अहंकार को देखते हैं तो फिर हम पाते हैं महत्त्व है। नहीं, जो आजकल रिसर्च हो रही है इसका मतलब कि क्या रिजल्ट निकालना चाहते हैं साइंटिस्ट मीन्स इसमें से? ये तो स्पष्ट है कि आगे उससे रचना कार्य कर पाते हैं या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे परमात्मा ने की है प्रकृति को तोड़कर। बिल्कुल बिल्कुल, क्या ये भी वैसी ही रचना कार्य कर पाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, शक्ति तो मूल प्रकृति की है। बिल्कुल बिल्कुल, जो रचना कार्य में काम आती है मटेरियल, उपादान कारण जिसको कहते हैं। बिल्कुल, निमित्त कारण परमात्मा है, उपयोगी कारण तो हम आत्मा है। मीन्स हमें अभी तक ये मानते हैं कि जो रचाने वाले रचना करने वाले वो परमात्मा है। बिल्कुल, बट साइंस ये चाहती है कि ये जो काम है उनके हाथ में आना चाहिए। हाँ, वो परमात्मा की सिद्धि के बिना रचना कार्य की तरफ का रुझान। तीन तीन चीजें परमात्मा ने अपने हाथ में रखी है, बनाना, उसको खिलाना और मारना। हाँ, बनाना, चलाना और डिस्ट्रॉय करना, ये तीनों चीजें परम पिता परमात्मा की शक्ति का ही प्रदर्शन है। क्योंकि अभी तक तो जो वैज्ञानिक है मौत के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए जितनी भी रिसर्च, बाकी अभी मेरे को लगता है कि वो उत्पत्ति के ऊपर अपना कंट्रोल करने के लिए आगे बढ़ रही है। हाँ, ये तो चलता रहता है जब तक मानव आता है ना, थोड़ा थोड़ा उसके दिमाग, जैसे हमें रोबोट बनाया, मानव ने देखा कि रोबोट बनाया, बिल्कुल वैसे ही क्लोन की आजकल एक चल रही है, प्रवृत्ति चल रही है क्लोन से, मतलब ऐसे ही व्यक्ति है जैसे उसके बिना बर्थ, बिल्कुल उसको वैसे ही गुण होंगे, स्वभाव होंगे, विदाउट बर्थ। वैज्ञानिकों के शक्ति को, उनके ज्ञान को प्रणाम करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे नहीं कि आप उसको इग्नोर कर दो। थैंक यू सर, थैंक यू।